मूवी कैसी लगी? सो गाइस अभी हम लोग मूवी देख के बाहर निकले हैं और मूवी आई थिंक सो वन टाइम वॉच है और इट इज़ लाइक फुल ऑफ एक्स्ट्रा, फुल ऑफ कॉमेडी और एक्टिंग भी एक्स्ट्रा थी कुछ, और मुझे कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी लाइक जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी होनी चाहिए, बट एनीवेज आई विल गिव आउट ऑफ 10 6 रेटिंग आउट ऑफ 10 जो कि मेरे आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर वन टाइम वॉच। मनी बैक गारंटी मूवी देख के आ रहा हूँ। मूवी वॉज सो सो ऑन एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुड वन टाइम वॉच क्योंकि कॉमेडी एंटरटेनमेंट है उसमें। अगर आप स्टोरी लाइन लॉजिक पे जाएंगे तो मे बी यू वॉन्ट बी दैट सेटिस्फाइड, बट अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे एंड इट वॉज अ गुड फैमिली मूवी। स्टोरी भी ठीक थी लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लॉजिकल थोड़ा सा तंग करती हैं, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जैसी आवाम वैसे लीडर्स। कुछ सोशल मैसेज भी है बीच में, थोड़ा सा इमोशनल टच भी कि जो लोग गलत काम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई इमोशन कनेक्ट होता है उनके साथ। गाने अच्छे थे, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं थी। कुछ जगह पर अगर डबल मीनिंग जोक्स थे भी तो वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फ़नी तरीके से शूट किया है या फ़नी तरीके से उनकी डिलीवरी डायरेक्ट की गई है कि वो भी काफ़ी फ़नी लगता है और अच्छा लगता है। मूवी वॉज गुड, आई वुड गिव इट 6 out of 10 रेटिंग। फैसल कुरैशी की फर्स्ट डायरेक्शन थी, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, एक्टिंग तो कमाल ही थी। फवाद खान लुक्ड एक्सेप्शनल, शनीरा अकरम लुक्ड गुड, जॉन रैम्बो वो एक बड़ा अच्छे दिखे वो। बाकी करेक्टर्स देखने में बस सो सो थे। शफाद अली का रोल बहुत अच्छा था एंड माय फेवरेट हैज़ टू बी एज ऑलवेज गोहर रशीद, अगेन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड या इट वाज ओवरऑल अ गुड फैमिली एंटरटेनमेंट ऑन अ लाइटर नोट। सो अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जा रहे तो आप काफ़ी मूवी इंजॉय करेंगे एंड या जस्ट हैव फन, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड लॉजिक के पीछे ना जाए ज़्यादा। सो डू वॉच एंड सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा और हमारी वीडियो, हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें।